आपत्तिजनक पोस्ट पर बेंगलुरु में हुई हिंसा, पुलिस स्टेशन में लगाई गई आग, एडिशनल कमिश्नर सहित 60 पुलिसकर्मी हुए घायल। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बेंगलुरु में मंगलवार की रात में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क गई, जमकर तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। आरोप है कि कांग्रेस विधायक श्री निवास मूर्ति के भतीजे नवीन ने एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद लोग पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर गए, मगर कहा गया कि आपस में बैठकर समझौता कर लें और ये बात उन्हें रास नहीं आई और उसी दौरान नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दिया गया। ये हिंसा ऐसी भड़की कि विधायक के घर पर भी तोड़फोड़ हुई और गाड़ियों में भी आग लगा दी। दंगाइयों ने DJ हल्ली और KG हल्ली में उत्पात मचाया। हालांकि काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हिंसा में एडिशनल कमिश्नर सहित 60 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। मगर वहीं DJ हल्ली में दंगाइयों से मंदिर बचाने के लिए मुस्लिम युवकों ने ह्यूमन चैन बनाई। जब तक दंगाई वहां से चले नहीं गए तब तक ये युवक वहीं डटे रहे और इनकी वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और मुस्लिम युवकों की काफ़ी तारीफ भी हो रही है। हिंसा से शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे बेंगलुरु में धारा 144 लागू है। अब तक 110 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं विवादित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।